आज के एपिसोड में दोस्तों जो भी बात करेंगे उससे पहले एक छोटी सी अपील, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि कई लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनके पास जो लेटेस्ट वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन नहीं आ पाती। और जब बेल आइकन दबाओगे नोटिफिकेशन के लिए तो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार हम पोस्ट डालते हैं कोई ऐसी जो इन्फॉर्मेटिव होती है और जिसके लिए वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आप वो भी देख पाओगे। फिर लाइव की जब हमारी नोटिफिकेशन आती है कि हमने किस समय लाइव होना है, संडे को वैसे लाइव होते हैं लेकिन किस समय लाइव होना है, तो वो भी आपके पास पहुंच जाया करेगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात करने लगे हैं प्री लॉन्च, हमारे पास सारी स्पेसिफिकेशंस आ गई हैं होंडा सिटी की कि होंडा सिटी के अंदर क्या क्या फीचर्स अवेलेबल होंगे किस किस वेरिएंट के अंदर, तो वो सारी बात करते हैं। आज इंजन्स की बात नहीं करेंगे, इंजन्स की बात हम पहले कर चुके हैं, और अभी जब लॉन्च होएगी गाड़ी तो तब हम सारी इसकी डिटेल के अंदर एक और बात कर लेंगे जो उसका वैल्यू फॉर मनी पैकेज होगा। बट अगर मैं बात करूँ इसकी प्रीमियमनेस लाने की कोशिश की तो वो बहुत अच्छे तरीके से निभाई गई है, कि जो इसकी बेस वेरियंट है उसके अंदर ही आप देखोगे जो फीचर्स हैं तो काबिले तारीफ हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि वो जो वेरिएंट है वो हमारे पास कितनी महंगी कीमत का आता है पुरानी वाली होंडा सिटी से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले दोस्तों हम बात करते हैं बेस वेरिएंट से क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं हमारे पास। जो दोस्तों जो इसका होंडा सिटी का जो बेस वेरिएंट है वो है वी, उसकी अगर बात करूँ तो उसमें जो फीचर्स आ रहे हैं, मेन जो बेसिक फीचर्स हैं उसकी बात करूं, जो हैरानी वाले फीचर्स हैं उनकी बात करता हूं। सबसे पहले तो स्टार्ट होती है इंटीरियर में 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बेस वेरिएंट से ही दिया जाएगा, जैसे कि WRV में दिया जा रहा है। प्रीमियम नेम्स लाने की कोशिश है जिसके अंदर की एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले की सुविधा भी साथ में ही दी गई है। होंडा कनेक्ट की जो एक फीचर है होंडा कनेक्ट का, रिमोट के साथ कनेक्ट करने का ऐप आप मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए होंडा कनेक्ट के नाम से, कई सारे फीचर्स आप उसके साथ ही जोड़ के चल सकते हो, तो वो एक बेस वेरिएंट से ही देना शुरू कर दिया गया है। 4 स्पीकर का साउंड सिस्टम है इसके अंदर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यानी कि मैनुअल एसी की इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है, सारी सुविधा ही है इसमें ऑटोमेटिक एसी की शुरू से ही दे दी गई है। क्रूज़ कंट्रोल दे दिया गया है बेस वेरिएंट में, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट और रिमोट इंजन स्टार्ट जो कि CVT के अंदर ही सिर्फ हमें दिया जाएगा। पैडल शिफ्टर CVT के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमने ये चीज़ें पहले कभी नहीं देखी कि बेस वेरिएंट के अंदर ही हमें पुश स्टार्ट ऑफ बटन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ऑटोमेटिक AC, ये सारी चीज़ें हमें बेस वेरिएंट से मिलनी शुरू हो जाएं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। 15 इंच के अलॉय व्हील्स होंगे, LED टेल लैंप भी होगा, 4 एयर बैग हैं बेस वेरिएंट से ही, ABS प्लस EBD सेफ्टी में, 4 एयर बैग, ABS EBD, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और रियर व्यू कैमरा, ये सारी ही सेफ्टी का पैक हमें बेस वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि सेफ्टी के अंदर भी कहीं भी कुछ भी पीछे नहीं छूटेगा। अगर बात करूं दोस्तों इससे ऊपर के वेरिएंट की, जो VX के नाम से आता है, VX के अंदर जो बेस वेरिएंट है उसके अलावा कई और फीचर भी साथ में जुड़ जाएंगे, वो क्या है उसकी बात करते हैं दोस्तों। उसके अंदर अब सनरूफ जुड़ गया और 16 इंच के डुअल टोन के अलॉय व्हील्स इसके अंदर जुड़ गए, 8 स्पीकर का सेट जुड़ जाएगा इसके अंदर साउंड सिस्टम के अंदर, और सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिस्प्ले है जो कि हमने पहले भी देखा था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। वॉक अवे लॉकिंग सिस्टम इसके अंदर मिल जाएगा हमें, यानी कि अगर हम गाड़ी से थोड़ा दूर होए तो ऑटोमेटिक गाड़ी लॉक हो जाएगी। कर्टन एयर बैग्स इसके अंदर और जुड़ गए, पहले 4 एयर बैग थे, 2 एयर बैग कर्टन एयर बैग साथ में और जुड़ के 6 एयर बैग टोटल इसके अंदर हो जाएंगे। ऑटोमेटिक हेड लैम्प्स इसके अंदर हैं, ऑटो डिमिंग IRVM भी है, जो कि एक बेहतरीन चीज़ मेरे को लगती है आजकल की गाड़ी के अंदर, तो एसेंशियल होनी चाहिए ये चीज़। तो अगली दोस्तों वेरिएंट की बात करो तो सिटी की ZX यानी कि टॉप वेरिएंट, उसके अंदर क्या क्या हमें मिल जाएगा जो कि इसके फर्स्ट इन क्लास कई सारे फीचर्स हैं उसकी मैं बात करूं तो LED हेडलैम्प एंड फॉग लैम्प ये हमें टॉप वेरिएंट में मिल पाएगा। लेदर अपहोल्स्ट्री मिल जाएगी, ऑल 4 पावर विंडो विद 1 टच एंड डाउन फंक्शन। नॉर्मली गाड़ियों के अंदर एक साइड या ड्राइवर साइड का एक 1 टच अप डाउन की फीचर होता है पावर विंडो का, लेकिन इस गाड़ी के अंदर इन्होंने चारों के अंदर दे दिया है टॉप वेरिएंट में। रिमोट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ विंडो एंड सनरूफ जो कि हमें एलेक्सा के साथ भी हमें मिल जाएगा, और जो होंडा का लेन चेंजिंग वाला कैमरा है जो विंग मिरर होते हैं उनके अंदर जो कैमरा लगा दिया गया है जिसकी कि हमें रिफ्लेक्शन जो इसका छाया चित्र है वो हमें
कैमरा के अंदर जो हमारा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके अंदर हमें नज़र आता है। तो ये एक खासियत, एक अच्छाई जुड़ गई है साथ में, ये हमें टॉप वेरिएंट के अंदर ही नज़र आएगी। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें बाहर से लगवानी पड़ती है जब हम बेस वेरिएंट लेते थे किसी भी गाड़ी का, इस गाड़ी के अंदर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे ही गाड़ी लो उसको ऑन रोड लेके आ सकते हो विदाउट एनी एक्सेसरी, क्योंकि अलॉय व्हील्स भी लगे हुए हैं जो कि शौक की चीज़ें होती हैं, और म्यूजिक सिस्टम है बाहर से लगवाना पड़ता है, तो इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑलरेडी लगा हुआ है जिसके साथ एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले की सुविधा, 4 एयरबैग्स और ऑटोमेटिक एसी, क्रूज कंट्रोल, ये सारी सुविधाएं हमें बेस वेरिएंट से ही मिल रही हैं। तो एक अच्छी जॉब, गुड जॉब, मैं तो ये कहूँगा बहुत अच्छी काबिल तारीफ एक जॉब की है इन्होंने। और ऊपर से अगर आपको सिर्फ सनरूफ की ही ज़्यादा शौक है तो आप VX वेरिएंट भी ले सकते हो, उसके अंदर थोड़े से पैसे और लगा के आप VX वेरिएंट दीजिए। लेकिन अब ये देखने वाली और ये अब विचार वाली बात है कि ये दोनों वेरिएंट्स के अंदर गैप कितना आता है। अब लेन चेंजिंग वाली या लेदर अपहोल्स्ट्री, LED फॉग लैंप, टेल लैंप, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, फिर तो आपको टॉप वेरिएंट पे जाना पड़ेगा फुल बेल्स एंड विसल्स के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से इसका बेस वेरिएंट भी बहुत वैल्यू फॉर मनी होगा, बस निर्भर करता है कि इसकी जब लॉन्च होगी गाड़ी, ये जल्दी लॉन्च होने वाली है मेरे हिसाब से अगले हफ्ते के अंदर लॉन्च हो जानी चाहिए, और उस टाइम पता लगेगा इसके वैल्यू फॉर मनी पैकेज सबसे बढ़िया कौन सा है। अगर थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा डाल के हम VX वेरिएंट लेते हैं तो क्या पता वो VX वेरिएंट भी हमें वैल्यू फॉर मनी लगे, या हो सकता है कि ZX वेरिएंट बहुत जेन्युइन से रेट पे आए, या लगता है कि बेस वेरिएंट ही बहुत महंगा हो। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं दोस्तों कि हम कौन सा वेरिएंट किस वैल्यू पे आएगा, किस कीमत पे आएगा। तो तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं। आपको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी, सारे इसके फीचर्स ओपन हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सा फीचर इसका अच्छा है, या बेस वेरिएंट के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट्स में। बात करते हैं, सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद।